सो हे गाइस, माय नेम इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम मेजर कर सकते हैं अपने रिस्ट के साइज को, और अपने लिए ब्रेसलेट, कड़ा या फिर बैंगल्स वगैरह आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप अपने लिए कैसे परफेक्ट साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो भाई चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है अपने रिस्ट साइज को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक पेन की जरूरत पड़ेगी, आपको आपके घर पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक पेपर की जरूरत पड़ेगी और इसकी हम एक स्ट्रिप को काट लेंगे बिकॉज उसी से हम मेजर करेंगे। तो ये मैंने जो इसकी स्ट्रिप है वो काट लिया है और उसके बाद ये कुछ ऐसी आती है, तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, तो वो स्केल भी आपको आपके घर पे मिल सकती है। और साथ में अगर आपके पास मेजरिंग टेप है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो भाई मेजरिंग टेप या स्केल, आप दोनों में से जो भी आपके घर पे हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना जो ब्रेसलेट साइज है उसे मेजर कर सकते हैं और अपने लिए परफेक्ट साइज का जो ब्रेसलेट है उसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहले चीज हम मेजर करेंगे वो करेंगे अपने रिस्ट के साइज को, बिकॉज जब भी आप ब्रेसलेट वगैरह लेते हैं तो आपको अपने जो रिस्ट का साइज है वो पता होना जरूरी है, बिकॉज उसी के बाद आप अपने लिए जो साइज है वो सही से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मेजरिंग टेप लेनी है। अगर आपके पास ये है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, वरना मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपना जो पेपर है या आपके पास जो स्केल है आप उसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेजरिंग टेप से आपको अपना कहीं जो रिस्ट का साइज है उसे मेजर करके दिखाता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो मेजरिंग टेप है उसे लेना है और जीरो पे से रख लेना। जीरो पे रखने के बाद आपकी जो रिस्ट है यानी कि जहां पे आप ब्रेसलेट पहनना चाहते हैं आपको बस उसके ऊपर इसे ऐसे लपेट लेना है और जितना भी आपका साइज आए आप उसे देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं अपने बात करूँ तो भाई मेरा 7 इंचेस मेरा जो साइज है वो आ चुका है मेरी रिस्ट का। तो भाई आप आपका जो साइज चार्ट है वहाँ पे चेक कर लीजिए और उसके बाद आप देख लीजिए कि भाई आपका 7 इंचेस के ऊपर क्या साइज आता है और वहाँ से वो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइज ये था मेरा पहला मेथड। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे स्केल से भी मेजर कर सकते हैं अपने रिस्ट साइज को। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो पेपर है उसकी जो स्ट्रिप है उसे काट लेना है ऐसे, और उसके बाद आपको सेम पहले की तरह इसे अपने मतलब हाथ के ऊपर या अपनी जो रिस्ट है उसके ऊपर इसे ऐसे यहाँ पे ऐसे लपेट लेना है और जहाँ पे भी ये दोनों पॉइंट मैच करते हैं आपको वहीं पे मार्क कर लेना है। जो पेन मैंने बोला था आपको पेन से मार्क कर लीजिए, और मान के चलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। और मार्क करने के बाद तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई कितना सेंटीमीटर या कितना इंचेस मेरा साइज आया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो स्केल है उसे लूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं सेंटीमीटर वाली जो साइड है वहां पे मैं इसे यूज करूंगा और जो ये मार्क है इसे मैं जीरो के ऊपर रखूंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरा कितना साइज आ रहा है। तो मेरा जो साइज आ रहा है वो आ रहा है 18.2 या 18.3 कुछ ऐसा आ रहा है सेंटीमीटर के अंदर। तो ये मेरा साइज आ चुका है और मैं अब साइज चार्ट के अंदर जाऊंगा जो भी मुझे ब्रेसलेट पसंद आया और वहां पे मैं जाके सिलेक्ट कर लूंगा। तो ऐसे आप अपना जो साइज है वो पता कर सकते हैं और अपने लिए परफेक्ट जो साइज है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी दूसरी मेजरमेंट है वो किस चीज की है। तो गाइस जो हमारी दूसरी मेजरमेंट है इसके अंदर हम अपना जो कड़ा है या हमारे जो बैंगल्स है उसके लिए हम मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बैंगल्स या कड़ा है वो दोनों सेम होते हैं, जैसे कि ये, तो ये है मेरे पास एक कड़ा और आपको ऑनलाइन ऐसे कड़े बहुत सारे मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी जो मेजरिंग टेप है उसे लेना है। तो सबसे पहले आपको जो अपना हाथ है वो ऐसे कर लेना है, यानी कि आपकी जो ये वाली चीज है यानी कि ये जो आपकी फिंगर्स के ऊपर आई जो हड्डियां है आपकी यानी कि बोन्स है भाई, आपको इसके ऊपर मेजर कर लेना है और इसी से आपका जो कड़ा है या जो बैंगल है वो आपको सही से आएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी मेजरिंग टेप लेनी है और उसके बाद यहाँ पे इसे ऐसे पकड़ लेना है, आप ऐसे पकड़ सकते हैं, और उसके बाद आपको अपनी जो ये वाली चीजें हैं यहाँ से ऐसे ऐसे कर लेना है। तो गाइज आपको अपनी मेजरिंग टेप को ऐसे कर लेना है और आप देख सकते हैं भाई जो मेरा साइज है वो ऐसे ही आएगा। तो आपने देखा होगा कि भाई जो मेरा साइज है वो आ रहा है 10, तो भाई आपके यानी कि 10 इंचीज है मेरा साइज आ चुका है। तो अब मैं अपने साइज चार्ट के अंदर देखूंगा कि भाई 10 इंचीज के ऊपर क्या आता है और उसके बाद जो भी मेरा साइज है उसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो गाइस ये थी हमारी पहली ट्रिक, और अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी दूसरी ट्रिक है वो कौन सी है। तो गाइस इस ट्रिक के लिए आपको एक पेन की जरूरत पड़ेगी और आपको क्या करना है, अपने हाथ पे या अपने हैंड के ऊपर मार्क करना है, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो मेरा सेंटर है मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, यानी कि मैं एक मार्क यहाँ पे करूंगा और दूसरा मार्क मैं यहाँ पे करूंगा। और गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाई जो मेरा मार्क है वो हो चुका है, शायद दिख रहा हो आपको। तो भाई यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे पेन के जो मार्क है वो मिल जाएंगे।
तो भाई ऐसे आपको अपने जो ये चीज है यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में मार्क करना है, यानी कि दो मार्क करने हैं, एक इस वाली फिंगर के ऊपर, एक इस वाली बोन के ऊपर। तो उसके बाद मैं अपनी स्केल को यहाँ पे दोनों जो मैंने मार्क किए थे मैं उनके ऊपर ऐसे रखूंगा और मैं ये चेक करूंगा कि भाई कितना मेरा जो साइज है वो आ रहा है। तो ऐसे करके भी मैं अपना जो साइज है वो पता कर सकता हूँ और इससे भी आपका जो साइज है वो पता लग जाएगा। मान के चलिए आपके पास पहले से कड़ा है या पहले से जो बैंगल है, आप उसके थ्रू कैसे अपना जो साइज है वो पता कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो बैंगल है उसे लेना है और जो ये पेपर है इसे लेना है। उसके बाद आपको पेन से इसके अंदर एक सर्कल कर लेना है। तो जब आप सर्कल करेंगे तो आपको उसी के थ्रू जो मेजर है वो कर लेना है। तो हमने मार्क करके यहाँ पे अपना जो सर्कल है वो बना लिया है। आपको क्या करना है, इस जो सर्कल है इसका बिल्कुल मिड पॉइंट लेना है, यानी कि बिल्कुल वहां पे एक स्ट्रेट लाइन को खींच लेना है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी स्केल से अब मेजर करूंगा कि ये साइज मेरा कितना आया है। तो मैं अपना जो साइज है उसे इसे सिलेक्ट कर लूंगा। तो गाइस एक ट्रिक आपको और बताता हूँ जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं और अपना जो बैंगल या कड़े का साइज है वो पता करते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंगल या कड़ा लेना है और उसके बाद आपको जो अपनी स्केल है उसे लेना है और उसके बाद आपको अपने कड़े के ऊपर इसे ऐसे रखना है और चेक करना है कि कितना साइज आता है। तो मैं आपको दिखाऊं तो भाई आपको ऐसे कुछ मेजर करना है, यानी कि जो इसका अंदर वाला पार्ट है आपको उसके ऊपर रख के इसे मेजर करना है और आप ऐसे अपना जो साइज है वो पता कर सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।